कंपनियों के तिमाही नतीजे, ग्लोबल ट्रेड और विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां इस हफ्ते शेयर बाजार का रुख तय करेंगी। एनालिस्ट ने ये राय जताई है ये हफ्ता कम कारोबारी सत्रों का होगा। एनालिस्ट का मानना है कि मौजूदा आम चुनाव की वजह से निवेशक अभी सतर्क रुख अपना सकते हैं। मुंबई में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के कारण सोमवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1341.47 अंक या 1.84% के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 446.8 अंक या 2% चढ़ गया। यहाँ हमने उन अहम फैक्टर्स के बारे में बताया है जो आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। मार्च तिमाही का अर्निंग सीजन समाप्ति के करीब है। सातवें हफ्ते में लगभग 900 कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, आईटीसी, हिंडोलका इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और डीवीस लेबोरेटरीज जैसे प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा अरबिंदो फार्मा, बीएचईएल, बॉश, पेट्रोनेट एलएनजी, इंटर ग्लोबल एविएशन, अशोक लीलैंड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, 197 कम्युनिकेशंस, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, होनासा कंज्यूमर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया सेंटीमेंट्स, ऑयल इंडिया, सेल ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मणपुरम फाइनेंस, नजारा टेक्नोलॉजीज, सुजलॉन एनर्जी और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अगले हफ्ते अपनी तिमाही आय की घोषणा करेंगे। जीओजी फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, चुनावी नतीजे और तिमाही आय को लेकर अनिश्चितताओं के बीच निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। बाजार की नजर मौजूदा आम चुनाव के शेष 3 चरण और उन सभी चरणों में मतदान पर भी रहेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण से शुरू हुआ मतदान अब तक 7 में से 4 चरणों में हो चुका है। आने वाले हफ्तों में लोकसभा चुनाव अगले 2 चरण में पहुंच जाएगा। पांचवें चरण में 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि छठे चरण के लिए 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव के पहले 4 चरणों में कुल मतदान 66.95% रहा, जबकि 19 अप्रैल को पहले चरण में 66.14%, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 66.71%, 7 मई को तीसरे चरण में 65.68% और 13 मई को चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ। इसी बीच मई महीने के लिए HSBC मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI फ्लैश नंबर्स 23 मई को जारी किए जाएंगे। अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.8 पर था, जबकि मार्च में ये 59.1 था, जबकि इस अवधि के दौरान सर्विसेज PMI 61.2 के मुकाबले 60.8 पर आया। इसके अलावा 17 मई को समाप्त हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 24 मई को जारी किए जाएंगे। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौड़ ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जोराम पावेल का सोमवार को संबोधन है, इससे बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। पिछली FOMC मीटिंग में फेड ने लगातार छठी बार ब्याज दरों को 5.25 से 5.5% बनाए रखा। वैश्विक मोर्चे पर सारा फोकस 21 मई को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की स्पीच पर रहेगा। उसके बाद 22 मई को इस महीने की शुरुआत में आयोजित मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के FOMC मिनट्स पर भी निगाहें रहेंगी। पिछले सप्ताह 14 मई को अपने भाषण में पॉवेल ने दोहराया कि मुद्रास्फीति में गिरावट उनकी उम्मीद से धीमी रही है, जो दिखाता है कि बेंचमार्क ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि केंद्रीय बैंक आगे चलकर दरें बढ़ाएगा। अप्रैल 2024 में अमेरिकी मुद्रास्फीति पिछले महीने के 3.5% के मुकाबले 3.4% पर आ गई, जो अभी भी फेड के 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। जापान और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव बाजार की दिशा के लिए अहम होंगे। इस हफ्ते ब्रिटेन के मुद्रास्फीति, अमेरिका के बेरोजगारी आंकड़े, SNDP के वैश्विक सेवा और वैश्विक विनिर्माण आंकड़े आने हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की गतिविधि भी आने वाले हफ्ते में अहम फैक्टर्स में से एक होगी, क्योंकि वे एक और महीने के लिए बड़े सेलर रहे हैं। ऐसा चुनाव नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण हो सकता है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने FII के आउटफ्लो की भरपाई एक बड़े अंतर से जारी रखी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि FII 4 जून को आने वाले आम चुनाव के नतीजों पर फोकस कर रहे हैं, ताकि वे नए निवेश कर सके। FII ने 18 मई को समाप्त हुए पिछले हफ्ते में कैश सेगमेंट में 10,650 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जिससे चालू महीने के लिए कुल शुद्ध बिक्री 33,625 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि DII सप्ताह के दौरान 14,410 करोड़ रुपए और चालू महीने में 33,820 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे। प्राइमरी मार्केट में मेन बोर्ड सेगमेंट से एकमात्र ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का IPO 22 मई को खुलेगा। इसका इश्यू साइज 599 करोड़ रुपए है। वहीं गो डिजिटल
लेजिट जर्नल इंश्योरेंस के शेयरों की लिस्टिंग के लिए संभावित तारीख 23 मई है। ऐसे भी सेगमेंट में जीएसएम फाइल्स एकमात्र आईपीओ होगा जो 24 मई को खुलेगा। इसके अलावा 7 कंपनियां एबीएस मरीन सर्विसेज, वेरिटास एडवर्टाइजिंग, मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज, इंडियन इमल्सी फायर, केवेस लेबोरेटरीज, एचओसी फूड्स इंडिया और रुलका इलेक्ट्रिकल्स आने वाले हफ्ते में अपने शेयर लिस्ट करेंगी। इसके अलावा एचओएसी फूड्स इंडिया और रुलका इंडस्ट्रीज के आईपीओ जो 16 मई को खुले थे 21 मई को बंद होंगे।